थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा सा सर, आपका बोलना ज्यादा है, आपका बोलना गार्जियन है, आपका छोटी नहीं है अभी बिल्कुल, थोड़ा सा सब होकर वापस आएंगे। जी चिंता मत, तो दौड़ धूप कर्म कर लीजिए, सलाह दिए भाई उनको, आप आने दीजिए, फिर हम लोग उसके बाद उसको अमल में लाएंगे। ठीक है, पिछली जनता सेवा उनके सर 35 बहुत कुछ किया सीएम साहब ने, एक्स्ट्रा केयर लेते हुए तब आज अचानक उन्हें विधानसभा सत्र के दरमियान आते ही उन्हें कुछ अनईजी फील हुआ और अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सलाह दिया कि ऑक्सीजन लेवल बीपी वगैरह चेक कर लिया जाए, तो फिर उसे पारस में उन्हें ले जाया गया और फिर जब एमजीएम चेन्नई जहां उनका इलाज हुआ था, लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ था, वहाँ के डॉक्टर ने जब सारी रिपोर्ट देखा, उन्होंने कहा कि एक बार आपको यहाँ आके चेकअप करा लेना चाहिए, तो फिर सीएम साहब तक ये बात गई क्योंकि वो खुद ही मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, एयर एम्बुलेंस मंगाया गया और यहाँ से डायरेक्ट एमजीएम चेन्नई के लिए, जगन्नाथ बाबू उनके साथ, उनके सुपुत्र अखिलेश जी, दिवाकर जी, डॉक्टर्स की टीम और सारे लोग। आप कुछ बातचीत कर पाए जगन्नाथ माता? बिल्कुल। क्या बोले आप उनको? बोले जल्दी आएंगे और कह रहे थे कि विधानसभा की हमारी जो तैयारियां थी वो हमने सब किया है, देखना जो सवाल आए वो अच्छे से उसके आंसर दिए जाए। जाते जाते भी राज्य की चिंता, यहाँ के लोगों की चिंता, तो डांटे नहीं, बहुत दौड़ धूप करते हैं, बाइक से 35 किलोमीटर तक चले गए, किसी की बात वो माने तब तो खुद ही गार्जियन है, टाइगर है। अब भी लौटेंगे तो सख्ती करेंगे? इस बार तो सीएम साहब छोड़ने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं।